दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका जो आरआरबी दोस्तों एनटीपीसी का दोस्तों सीबीटी वन का यहाँ पर रिजल्ट है। सबसे पहले दोस्तों ये कारण है आप सभी का कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि वो तैयारी सीबीटी की कब तक करें, कितने टाइम लगेगा कि आपका रिजल्ट आएगा फिर इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन है सब लोग का दोस्तों कि जो सीबीटी टू है उसका एग्ज़ाम यहाँ पर कितने दिन बाद होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों का, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब आएगा। और दोस्तों इससे इन दोनों से सबसे बड़े क्वेश्चन दोस्तों है सभी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो मैंने दोस्तों यहाँ पर पहले नहीं रखा है क्योंकि आपको पता होगा जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी का दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम है उसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि 2.5 साल से अधिक यहाँ पर समय हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी के लिए और अभी तक आपका कोई भी इसकी सूचना ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो बहुत से लोग परेशान हैं दोस्तों। तो आपको पता भी होगा कि ऑल इंडिया में कल यहाँ पर कल का दिन आपको पता होगा 27 सितंबर का दिन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों आप सभी को भाग भी लेना चाहिए क्योंकि आप सभी के लिए किया जा रहा है। इसमें पता भी होगा जैसे आपको एग्जाम पुरुष वाले विवेक सर हैं और यहाँ पर नवीन कुमार सर हैं जो पटना से बिलोंग प्लेटफॉर्म वाले हैं जो, और राकेश यादव सर हैं दोस्तों। आप सभी का ऑल इंडिया एजुकेशन दोस्तों जितने भी हैं मेन बड़े बड़े चैनल इसका सभी को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्विटर अभियान होने वाला है कल। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर आप जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं इनका यहाँ पर सभी को यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी हैशटैग जो भी दोस्तों आपका वो दोस्तों यहाँ पर आपको वो करना है, ट्वीट करना है ट्विटर पर, आप लोग ज़रूर ट्वीट करें क्योंकि आपको पता होगा कि कल आपका यहाँ पर ट्विटर अभियान है आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों का और यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों का, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर अवगत कराया है, ठीक है। जो भी व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट नहीं बना है तो आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पर सर्च कर लें गूगल में कि ट्विटर अकाउंट कैसे बनता है दोस्तों, तो वो भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी को, यहाँ पर जितने बच्चे हैं यहाँ पर रेलवे के फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले सभी को यहाँ पर भाग लेना चाहिए क्योंकि उनका ही यहाँ पर फ़ायदा होगा अगर होगा तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सर का कहना भी है नवीन कुमार सर का कि जो भी यहाँ बच्चे हैं अब सभी का मांग करते हैं कि यहाँ पर जैसे एसएससी का कैलेंडर आता है ऐसे ही यहाँ पर रेलवे का कैलेंडर यहाँ पर आए, जिससे कि उसमें टाइम दिया रहे कि आपका रेलवे कैलेंडर में कि आपके इस तिथि को, इस एग्ज़ाम को, इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, इस तिथि को आपका रिजल्ट होगा, इस तिथि को आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। जैसे कि आपका एसएससी का आता है कैलेंडर, तो इसी कैलेंडर के लिए दोस्तों यहाँ पर मांग हो रही है आप सभी के लिए। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर एक साथ हों और यहाँ पर अपने हक की लड़ाई में शामिल हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।